हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एम सिंह, मैथ्स एजुकेटर। अब जो आज हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक बहुत से बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हाइट एंड डिस्टेंस करवा दीजिए, तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक था आपका। तो आज हम जो टॉपिक है हमारा वो है हाइट एंड डिस्टेंस। इस पे बेस पे आपके कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उस चीज़ पर हम बात करेंगे बच्चों। तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, हम क्या करेंगे, जो मेनली आपका जो इसमें मेन रोल है वो है आपका फिगर, कैसे आप फिगर को ड्रॉ करते हैं। अगर आपका फिगर करेक्ट है, उसके बाद में आपको ट्रायंगल सेलेक्ट करके और सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करने हैं, उसके बाद आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों इसमें क्या क्या टर्म्स होती है। तो बच्चों इसमें फर्स्ट टर्म होती है, वो होता है आपका, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, फर्स्ट होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है बच्चों, जब हमारा आई है, ये आई है आपकी, और यहां पे कोई भी चीज आपकी है वो है ऑब्जेक्ट। दैट मींस अगर आपका आई है वो नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो, तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है, मान लीजिए कि अल्फा एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन दैट मींस जब आपकी आई नीचे और आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकेंड चीज है आपकी एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है बच्चों, जब आपकी आई ऊपर होगी, आप ऊपर से देख रहे हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट आपका नीचे है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी आई, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी ये आपकी लाइन ऑफ साइट जिससे आप देख रहे हैं, और इस केस में जो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, तो ये अगर मैं मान लेता हूं बीटा एंगल, तो ये एंगल होगा वो होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। दैट मींस बच्चों अगर आप नीचे से खड़े होके कोई भी चीज ऊपर की तरफ देख रहे हो, तब जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा बच्चों, तो वो एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप ऊपर से देख रहे हैं किसी भी चीज को नीचे की तरफ, तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और यहां से हम इसे सेलेक्ट करते हैं, तो ये अगर बीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी बीटा, और इस चीज को ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगा और हम वहां पे यूज कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट मीन्स जो मेरी आई है वो कहां है, नीचे की तरफ है, यहां मेरी आई है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब मैं यहां खड़ा हूं, ये पॉइंट है और यही आई है मेरी, ओके। और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, दैट मींस ये आपकी आई है, तो ये मैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मान लेता हूं। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गए। अब आपको बोला है कि आपका ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया, आपको बोला है टावर, तो हम ये आपका टावर मान लेते हैं, ओके। अब आपको बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टॉप ऑफ द टावर दैट मींस ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहां है, टॉप ऑफ द टावर है, दैट मींस हियर इट इज योर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। यहां से आपको बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसके साथ बनता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो आई से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगी तो वो हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ साइट, तो ये आपके आई से आपने ज्वाइन कर लिया इस ऑब्जेक्ट को, आई से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर लिया, तो ये हो गए आपके एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं हम। तो बच्चों ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, और ये आपका क्या है, टावर है,
एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, इसलिए आई नीचे है और ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ऊपर है. आओ नाउ विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30. दैट मीन्स ये चीज आपको 30 डिग्री गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन. और आपको ये बोला है कि जो ये डिस्टेंस है टावर के फुट से, ये डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 30 मीटर्स गिवन है बच्चों. हाउ मच इट इज, 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. तो ये फुट ये है इसका टावर का और यहां से इतना दूर हूं मैं. ओके फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो ये मान लेते हैं h, ये हमारा फिगर बन गया. फिगर बनने के बाद आप फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे. तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, ये टावर है, ये टावर के फुट से कितना है दूर है, 30 मीटर्स दूर है बच्चों. और ये हाइट हो गई आपके टावर की, एच हाइट हो गई है. अब वही आपको फाइंड करना है. तो बच्चों जो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो टावर का एंगल बनता है वो हमेशा कितना होता है, 90. दैट मीन्स मैं इस ट्राइंगल की नेमिंग कर देता हूं बच्चों. तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट ए बी एंड ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी. तो बच्चों अब आपको सॉल्व कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, तो आप उसमें लिखेंगे पहले जो सबसे पहले, लेट ए बी सी बी द हाइट ऑफ द टावर एंड ए बी बी द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ये लाइंस आपको लिखनी है. उसके बाद में आप क्या करेंगे, अब ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे. इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी 30 डिग्री गिवन है, ये फाइंड करना. तो बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो किस में रिलेशन होता है बेस और परपेंडिकुलर में, ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों, टैन में. टैन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो थीटा आपको कितना गिवन है, दैट मींस एंगल कितना गिवन है, 30. परपेंडिकुलर क्या है आपका, बीसी. एंड बेस क्या है आपका, एपी. टैन 30 होता है बच्चों 1/√3, टेबल कल याद की थी पिछले लेक्चर में. नाउ बीसी दैट मींस एच हमें फाइंड करना है और एपी हमें गिवन है 30. ओके बच्चों, सो एच की वैल्यू क्या हो गई है बच्चों, 30/√3. अब इसे रूट थ्री को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे. तो बच्चों ये क्या हो गया है, ये हो गया है बच्चों 30√3/3. तो ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इन्हें कैंसिल कर लेते हैं. तो हाइट क्या आ गई है बच्चों, 10√3 meters. लास्ट में आप लाइन लिखेंगे, द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 meters. 10√3 meters. तो बच्चों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फिर फिगर बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, उसके बाद में कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अ ब्रिज क्रॉसेस द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक. दैट मींस आपको एक रिवर गिवन है. तो बच्चों मान लेते हैं ये आपकी रिवर है और ये बहता पानी है. अब इसके ऊपर आपका क्या हो रहा है, एक ब्रिज है. तो बच्चों ये ब्रिज है. ओके ये ब्रिज है आपका. अब देखो अब क्या आगे दे रखा है, द ब्रिज अक्रॉस द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द रिवर बैंक. तो बच्चों रिवर बैंक मींस ये चीज है, दो बैंक्स होते हैं, दैट मींस किनारे का एंगल है वो कितना बना रहा है, वो बच्चों 45 बना रहा है. दैट मींस ये एंगल कितना है, 45 डिग्री बन रहा है बच्चों विद द रिवर बैंक. इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150 meters, दैट मींस ये जो लेंथ गिवन है बच्चों ब्रिज की अक्रॉस द रिवर वो कितना गिवन है बच्चों, 150 meters.
तो आपको क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द रिवर. विड्थ ऑफ द रिवर का मतलब, विड्थ ऑफ द रिवर का मतलब ये चीज फाइंड करनी है आपको बच्चों. आपको ये चीज फाइंड करनी है, ये आपकी विड्थ ऑफ द रिवर है. तो बच्चों ये मैं अगर पॉइंट ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, ये सी मान लेता हूं, तो ये विड्थ परपेंडिकुलर होगा. ओके, तो हमारे पास ये ट्राइंगल आ गया. हमें क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द रिवर. दैट मींस ये चीज फाइंड करनी है बच्चों, बी सी फाइंड करना है. तो आप ये मान लेंगे, लेट बी सी बी द विड्थ ऑफ द रिवर एंड ए सी बी द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर. ओके बच्चों, तो अब हम ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेते. अब देखिए आप में इसमें क्या फाइंड करना है. अगर ये 90 है तो बच्चों ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है. अब बच्चों हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो बच्चों किस में रिलेशन होता है, तो हमने पढ़ा होगा साइन थीटा. सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन एच गिवन है, पी फाइंड आउट करना है. दैट मींस हम क्या कर सकते हैं, इजीली साइन थीटा यूज करके इसे फाइंड कर सकते हैं. तो बच्चों क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल नाम, ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ए बी सी. तो साइन 60 डिग्री, सॉरी साइन 45 के बारे में, साइन 45 परपेंडिकुलर, दैट मींस बी सी अपॉन ए सी, हाइपोटेन्यूस इज ए सी. तो बच्चों साइन 45 होता है 1/√2 एंड बी सी इज हमें फाइंड करना है, लेट इट बी विड एंड ए सी. ए सी आपको गिवन है बच्चों 150 गिवन है. सो विड्थ किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, 150 अपॉन √2. हमें ये सिखाया गया है कि हम डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं रखते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, रेशनलाइजेशन करते हैं. तो ये हो जाएगा बच्चों 150 √2 एंड √2 इंटू √2 इज 2. तो बच्चों ये सेम फैमिली से हैं, तो इसे कैंसिल कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा बच्चों 75√2. अगर √2 की वैल्यू मेंशन होती है 1.414, तो आप पुट करेंगे और वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, और नहीं तो आप यहीं पे इसको रख सकते हैं और ये यूनिट हो जाएगी मीटर्स. तो लास्ट में आप लाइन लिखेंगे, द विड्थ ऑफ द रिवर इज, द विड्थ ऑफ द रिवर इज 75√2 meters. तो बच्चों आपको डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना है. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. अब फ्रॉम द टॉप ऑफ, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, दैट मींस एक पॉइंट है. तो सबसे पहले हम टावर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों. तो ये हमारा टावर हो गया, ये टावर है हमारा, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बना लेते हैं. तो बच्चों यहां से ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गए. अब आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं. अब बोल रहे हैं आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30. एंगल ऑफ एलिवेशन दैट मींस हम आई यहां है तो ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, टॉप ये, तो आई कहां, यहां से नीचे ही होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है. तो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं यहां से. ये बच्चों आपका बन गया है एंगल ऑफ एलिवेशन.
ये बच्चों बन गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन समवॉट लाइक दैट ओनली. ओके अंडर इज 30 डिग्री, दैट मींस ये जो गिवन है ये हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, बना लिया है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉटर टैंक विच इज ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45. दैट मींस इस टैंक के ऊपर एक वॉटर टैंक है, टावर के ऊपर एक वॉटर टैंक है बच्चों. तो ये टावर है तो इसके ऊपर होगा वॉटर टैंक, तो ये वॉटर टैंक हो गया. मान लेते हैं कि वॉटर टैंक है आपका, तो जो वॉटर टैंक से इनका एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों वो हमें गिवन है, वो कितना है 45. तो हम तो यही खड़े हैं और हमने वॉटर टैंक को भी देख लिया है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है आपको. अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है बच्चों हमें, इट इज 45. दैट मीन्स ये जो एंगल है ये हमें गिवन है 45 डिग्री. 45 डिग्री. तो आपको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डेप्थ ऑफ द टैंक, दैट मींस डेप्थ ऑफ द टैंक मींस ये चीज फाइंड करनी एच वन, और ये हो गया आपका हाइट ऑफ द टावर एच. ओके अब देखिए बच्चों, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे, दैट मींस ये जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है 40 मीटर्स. ओके तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर दैट मींस एच फाइंड करना है, एंड डेप्थ ऑफ द टैंक दैट मींस ओनली एच वन. डेप्थ मींस अगर यहां से आप नीचे से मेजर करोगे तो हाइट, और ऊपर से मेजर करोगे तो वही चीज क्या हो जाएगी आपकी, डेप्थ हो जाएगी. दैट मींस जो एच वन है वो आपकी डेप्थ हो जाएगी. ओके अब बच्चों हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे फर्दर. तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया है बच्चों, और ये पॉइंट हो गया डी. ओके नाउ फर्स्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल, जो भी हम ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं बच्चों हमेशा वो एक क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए. क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल. सो इन ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं. इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, तो ए बी डी में कितना है एंगल 45. अब बेस और परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे, टैन. सो टैन 45 एच अपॉन 40, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों, टैन 45 वन है, तो वन इज इक्वल्स टू एच अपॉन 40. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की वैल्यू क्या आ गई है, 40 मीटर्स. दैट मीन्स फर्स्ट सॉल्व हो गया, हाइट ऑफ द टावर इज 40, तो आप यहां लिख देंगे फर्स्ट है हाइट ऑफ द टावर इज 40, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स. सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, डेप्थ ऑफ द, एक मिनट बच्चों, ये होगा एच प्लस एच वन होगा, एच प्लस एच वन होगा क्योंकि ट्राइंगल ए बी डी सेलेक्ट किया है बच्चों हमने, तो एच प्लस एच वन दैट मीन्स एच प्लस एच वन इज इक्वल्स टू 40. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब बच्चों सेकेंड सॉल्व करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां पे हो जाएगा बच्चों tan 30 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 40. tan 30 होता है बच्चों 1/√3, दैट मीन्स 1/√3 is equals to h upon 40. तो h की वैल्यू हो गई बच्चों 40/√3. इसे हम रूट में, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं, तो बच्चों ये h हो गया है आपका 40√3/3. तो ये चीज है, ये आपकी क्या हो गई है, हाइट ऑफ द टावर. h की वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ द टावर. और अगर रूट थ्री की वैल्यू मेंशन है, रूट थ्री इक्वल टू 1.73. ओके तो अगर ये मेंशन है तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ये मीटर्स में आ गया. तो ये तो हो गई बच्चों हाइट, हमें क्या फाइंड करना है,
H1 फाइंड करना है, दैट मींस डेप्थ फाइंड करनी है. तो हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, H प्लस H1 इज इक्वल्स टू 40. तो H की वैल्यू क्या हो गई है, तो H1 हो जाएगा बच्चों 40, H यहां जाएगा तो माइनस, और माइनस की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों अपॉन 3. तो H1 क्या हो जाएगा बच्चों, 40 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 बाय 3. ओके okay, अब इसे आगे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं बच्चों. तो एच वन क्या हो जाएगा, 40 3 माइनस अंडर रूट 3 बाय 3. ओके अब रूट 3 की वैल्यू 1.734 पुट कर लेंगे और उसे आगे सॉल्व कर लेंगे. तो ये जो आपका आएगा, ये आएगा आपका डेप्थ, ये आएगा आपका डेप्थ ऑफ द टैंक. ओके और अगर टोटल हाइट पूछा है तो टोटल H प्लस H1 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल क्या आएगा, 40 आएगा. ओके तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज फाइंड करके टोटल में से माइनस कर रहे हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. अ ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट स्टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द ग्राउंड. एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड. दैट मींस आपके पास एक ट्री था, आपके पास एक ट्री था और उस ट्री की जो हाइट थी बच्चों वो कितनी थी, 12 थी. दैट मींस ये कंप्लीट ट्री था आपके पास. ओके और अब ट्री ग्रीन कलर का होता है तो हम इसे ग्रीन बना लेते हैं. ये हो गया है हमारा ट्री ग्रीन कलर का. अब आपको बोला है कि जो आपका ट्री है वो नीचे गिर गया है बच्चों. ट्री हैज बीन ब्रोकन बाय द विंड, दैट मींस ट्री नीचे गिर गया. तो ये मैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मान लेता हूं बच्चों. ओके अब आपको बोला है कि ट्री कहीं से भी टूट के और नीचे गिरा है, तो मान लिया इस पॉइंट से नीचे गिरा है टूट के. दैट मींस जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ब्रेक हो गया है विंड की वजह से और ये वाला पार्ट यहाँ नीचे आ गया है बच्चों, ये वाला पार्ट यहाँ नीचे आ गया है. ये वाला पार्ट नीचे आ गया. अब आपको बोला है कि ये जो टोटल है आपका, ये जो टोटल पार्ट है ये हमें गिवन है 12 मीटर्स. कितना गिवन है बच्चों, 12 मीटर्स. मान लिया कि हमारा एक्स हाइट बच गया है, एक्स हाइट से नीचे से एक्स हाइट पे ये ट्री ब्रोक हुआ है, तो कितना पार्ट ब्रोक हुआ है, टोटल 12 है, एक्स बच गया है बच्चों, तो पीछे कितना बच गया है, टोटल में से ये बच गया, तो ये आपका 12 माइनस एक्स हो गया और यही पोर्शन आपका नीचे आया, दैट मींस यही कितना हो गया 12 माइनस एक्स और ग्राउंड के साथ एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 60 बन रहा है. अब देखिए बेस नहीं है पता हमें, हमें क्या गिवन है आपका परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, दैट मींस हम क्या यूज करेंगे, साइन. सो ट्राइंगल का नाम दे देते हैं बच्चों, ए बी सी और इनिशियल हाइट थी ट्री की वो थी बी डी. ओके सो इन ट्राइंगल ये 90 होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो बच्चों साइन 60 है, परपेंडिकुलर क्या है आपका इस ट्राइंगल में ए बी सी में, बी सी, दैट मीन्स बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस इज ए सी. ओके बच्चों साइन 60 होता है बच्चों रूट 3 बाय 2 which is equal to BC. BC is X and AC. AC is 12 minus X. हमें X ही find करना है, तो हम cross multiply कर लेते हैं बच्चों. तो ये हो जाएगा 12 root 3 minus root 3 X
इस कंप्लीट ब्रैकेट को रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ये रूट थ्री इन दोनों के साथ आ जाएगा विच इज इक्वल टू टू एक्स. नाउ एक्स एक तरफ ले लेते हैं और बाकी तरफ एक, तो ये बचेगा बच्चों 12 रूट थ्री इज इक्वल टू टू एक्स प्लस अंडर रूट थ्री एक्स प्लस आ जाएगा इधर आएगा. अब एक्स यहां से कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो ये बचेगा ये हो जाएगा 12 रूट थ्री एक्स कॉमन आ गया है हमारे पास ये बचा है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 12 रूट थ्री अपॉन टू प्लस अंडर रूट थ्री और इसी चीज को रूट नहीं रखना है डिनोमिनेटर में तो हम इसे रेशनलाइज कर लेते हैं. रेशनलाइजेशन करेंगे तो मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसमें हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा बच्चों तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों 12 रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री तो बच्चों ये हो जाएगा 4 माइनस थ्री मतलब 1 दैट मीन्स जो आपकी x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी. अब इसमें आप रूट थ्री की वैल्यू पुट करके फर्दर सॉल्व कर सकते हैं और ये इसका यूनिट होगा ये मीटर्स होगा. ध्यान से बच्चों पढ़ना एट वॉट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री हैज बीन ब्रोकन दैट मीन्स बॉटम से ये चीज ही फाइंड करनी थी हमें एक्स फाइंड करनी. अगर ये बोल देते हैं कि कितना पार्ट ब्रोक हुआ है तो हम टोटल 12 में से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों तो आप इसे ये हो जाएगा 24 रूट 3 माइनस 12 थ्री 36 तो बच्चों ये 5.5 समथिंग कुछ आना चाहिए ये कुछ आएगा 5.5 मीटर के आसपास. ओके तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमें ये ध्यान देना है कि अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ रहा है तो साइन परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है तो टैन यूज करना है. एन एयरप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर्स ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द टू बैंक्स ऑफ द रिवर 45 एंड 60 फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. अब बच्चों इस केस में हम कहां बैठे हैं एयरप्लेन के अंदर बैठे हैं और हम ऊपर से देख रहे हैं नीचे रिवर की तरफ दैट मींस एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके सो ये आपका एयरप्लेन हो गया. अब आप यहां से देख रहे हैं अब नीचे है जो आपकी रिवर बह रही है तो ये मैं रिवर मान लेता हूं और ये दो अपोजिट बैंक्स हैं तो ये एक पॉइंट ए और ये पॉइंट बी मान लिया मैंने. अब आप ऊपर से देख रहे हैं इसकी तरफ आप ऊपर से देख रहे हैं दैट मींस यहां से आप देख रहे हैं एक पॉइंट तो ये हो गया और आप इसी पॉइंट से इस बैंक पे भी देख रहे हैं. ओके अब देखिए बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है दैट मींस ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये बनेगा और ये वाला बनेगा. ओके हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ही बनता है आपका एंगल. ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसी के साथ में एंगल है तो ये पॉइंट में मान लेता हूं सी पॉइंट है हमारा. ओके नाउ एयरप्लेन इज एट एल्टीट्यूड 200 मीटर्स दैट मींस एल्टीट्यूड मतलब ये हाइट गिवन है आपको ये हाइट आपको गिवन है बच्चों ये हाइट कितना गिवन है हमें 200 मीटर्स गिवन है. अब आपको बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो ये 45 क्योंकि यहां बैठे हैं आई तो आई का हमेशा एंगल किसके साथ बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ तो ये 45 दे रखा है और ये 60 दे रखा है बच्चों. अब हमें पता है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये भी है तो ये अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो जाएंगे 45 और ये 60 हो गए. ये विड्थ है दैट मींस यहां की डिस्टेंस में अगर एक्स मान लेता हूं
और इस डिस्टेंस को y मान लो, तो आपको टोटल वेट फाइंड करनी है, दैट मींस x प्लस y फाइंड करना है विड्थ ऑफ द रिवर। अब बच्चों ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं d मान लेता हूं बोल। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी ए डी सी एंड बी डी सी, इन दोनों ट्राइंगल से रिलेशन आ जाएगा हमारा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो फिगर होना चाहिए वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, सो इन ट्राइंगल ए डी सी टैन 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस टैन 45 है परपेंडिकुलर, दैट मींस एल्टीट्यूड कितने डिस्टेंस पे है 200 पे है और बेस x है। tan 45 बच्चों 1 होता है, 200 अपॉन x, दैट मींस x की वैल्यू आ गई है 200 मीटर्स, दैट मींस ये जो डिस्टेंस है ये 200 है। अब y कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इन ट्रायंगल DCB या फिर DBC, इन ट्रायंगल DBC एंगल कितना गिवन है बच्चों 60, तो tan 60 हो गया, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 होता है बच्चों रूट थ्री, तो रूट थ्री इक्वल टू 200 अपॉन y, सो y इक्वल टू 200 अपॉन रूट थ्री, और रूट थ्री को हमें नीचे नहीं रखना है डिनोमिनेटर में, तो रेशनलाइजेशन कर लिया है बच्चों, तो ये हो गया 200 रूट थ्री अपॉन थ्री। ओके बच्चों, तो ये हो गया है y, तो टोटल विड्थ क्या है आपकी x प्लस y, हमें टोटल विड्थ फाइंड करनी है बच्चों, x प्लस y फाइंड करना है, तो x प्लस y क्या हो जाएगा बच्चों टोटल विड्थ, टोटल विड्थ क्या है x प्लस y, दैट मींस 200 प्लस 200 अंडर रूट 3 बाय 3, तो यहां से बच्चों हम 200 कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 3 बाय 3, दैट मींस 200 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3, और ये टोटल विड्थ हो जाएगी बच्चों। रूट 3 की वैल्यू आपको गिवन होगी, आप पुट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो जो भी एयरप्लेन वाले क्वेश्चन होते हैं वो देखते हैं, हम देखते हैं कि एल्टीट्यूड, दैट मींस एक बार पहले देख रहे तो यहाँ, फिर देखे यहाँ, तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या होता है कंफ्यूजन होता है फिगर ड्रॉ करने में, तो आप एयरप्लेन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है 2-4 क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना। आगे एक और क्वेश्चन आएगा, वो भी अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट, मतलब एक स्ट्रीट, तो हम स्ट्रीट बना लेते हैं, ये देखिए बच्चों आपका स्ट्रीट बना लेते हैं, ये स्ट्रीट है। ओके, अब आपको बोला है कि यहाँ पे एक विंडो है, कहाँ कितना ऊपर है वो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड से 15 मीटर अबव है, ग्राउंड से 15 मीटर अबव है, तो यहां पे ये मान लेते हैं ऐसे, ये आपका विंडो हो गया, यहां पे आपका विंडो है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, मतलब एक बार ऑब्जेक्ट ऊपर है तो एलिवेशन, और एक बार ऑब्जेक्ट आपका नीचे है तो क्या हो जाएगा डिप्रेशन हो जाएगा। To the top and the foot of an another house on the opposite side of the street. That means एक और house है opposite side में, तो ये लीजिए बच्चों ये house बन गया। अब बोला है कि यहाँ पे एक angle of elevation है और एक angle of depression है बच्चों, तो angle of elevation मतलब I यहाँ होगी तो object कहाँ होगा ऊपर की तरफ, ये angle of elevation बनेगा, और second बोला है angle of depression है, that means I यहाँ है और object नीचे है, तो ये foot हो गया इसका। तो सब जो आपका देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन एंड, तो ये आपकी क्या है आई है यहाँ पे, तो एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा बच्चों। अब देखिए इसके बाद आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे आपको ज्वाइन कर लेना है ताकि आपके पास दो ट्राइंगल्स बन जाए। ओके बच्चों, अब देखिए
द साइड ऑफ दिस विंग एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, दैट मीन्स ये जो चीज है 30 डिग्री है बच्चों. और आपको बोला है डिप्रेशन है वो 45 है, तो डिप्रेशन इसी के साथ बनेगा और ये जेड होके ये 45 हो जाएगा बच्चों. ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे. शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज 23.66. दैट मींस हमें ये प्रूव करना है कि जो हाइट है आपकी हाउस की वो कितनी है, h इक्वल टू 23.66 मीटर्स. ये चीज हमें प्रूव करनी है, दैट मींस हमारा आंसर ये आना चाहिए. विंडो कितना है हमें गिवन, 15 गिवन है, दैट मींस ये डिस्टेंस कितना है 15. तो बच्चों अगर ये x है तो ये चीज भी x ही होगी, डिस्टेंस तो बराबर ही है क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल है. ओके बच्चों अब देखिए नेमिंग कर लेते हैं, ये ए बी, ये पॉइंट सी हो गया है, ये डी हो गया है पॉइंट, और ये विंडो वाला पॉइंट हो गया है ई. अब हम सॉल्व करते हैं बच्चों. नाउ फर्स्ट जो ट्राइंगल लेंगे वो ट्राइंगल लेंगे हम, ये 45 गिवन है, ये 15 गिवन है, तो ये एक्स फाइंड कर लेंगे और फिर ये चीज फाइंड कर लेंगे. ओके तो इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस ए ई अपॉन ए बी. ओके बच्चों तो tan 45 1 होता है, ए ई हमें 15 गिवन है, ए बी हमारा क्या है x है, तो बच्चों x क्या हो गया है 15 मीटर्स हो गया है. कितना हो गया है 15 मीटर्स. नाउ x 15 हो गया है, दैट मींस ये 15 है, तो बच्चों ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा. नाउ सेकंड ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल सी ई डी, tan 30 इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर, तो मान लेता हूं परपेंडिकुलर है आपका सी डी, इसको मैं एच डैश मान लेता हूं. ओके बच्चों तो ये कंप्लीट आपका कितना गिवन है एच है, और ये चीज 15 है तो ये भी 15 ही हो गई है बच्चों, और कंप्लीट एच है, दैट मींस एच डैश प्लस 15 कितना आना चाहिए, एच क्या हो जाएगा बच्चों आपका एच डैश प्लस 15, और ये h कितना आना चाहिए आपका 23.66 आना चाहिए बच्चों. अब हमें क्या फाइंड करना है, h फाइंड करना है, दैट मींस bd फाइंड करना है. तो बच्चों cd अपॉन बेस है x है आपका, x की वैल्यू क्या गिवन है 15, ये होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू cd अपॉन 15, तो cd हो जाएगा बच्चों 15 बाय रूट थ्री, और रूट थ्री डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, तो ये हो जाएगा सी डी कितना हो जाएगा बच्चों 15√3/3, 3 1 3 5, तो बच्चों सी डी कितना हो गया 5√3. ओके बच्चों अब हमें क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड हो गया है हमारा, हमें ये चीज फाइंड करनी कि बी डी कितना होना चाहिए. तो देखो बच्चों एच क्या हो जाएगा आपका CD, और ये किस CD किसके इक्वल है बच्चों H डैश के इक्वल है, CD H डैश है, तो H टोटल H क्या होगा H डैश प्लस 15 होगा बच्चों. सो H इक्वल टू 5√3 प्लस 15, तो बच्चों इसे आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल मैच करेगा 23.66 मीटर्स. तो आप रूट थ्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपकी टोटल हाइट आ जाएगी, टोटल हाइट विल बी 23.66 मीटर्स. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एक डिस्कस किया था हमने. फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30, दैट मींस आपका जो प्लेन है वो फ्लाई हो रहा है, यहां पे मान लेते हैं ये ऊपर फ्लाई हो रहा है, तो पहले ये पॉइंट ए पे था, ये पॉइंट ए था, 30 सेकेंड्स के बाद में
ये पॉइंट बी पे पहुंच गए, तो एक नीचे ग्राउंड पे पॉइंट था, तो मैं ग्राउंड मान लेता हूं बच्चों, ये मेरा ग्राउंड है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। तो यहां पे एक पॉइंट था बच्चों पी, उस पॉइंट पी पे इनिशियली एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 था पहले, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 था। That means A point से जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन था बच्चों वो कितना था, 60 डिग्री था। इनिशियली द एंगल ऑफ एलिवेशन वॉज 60। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30। दैट मीन्स मैं तो यही खड़ा हूं बट प्लेन चेंज हो गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज हो गया है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज हो गया है। बी पॉइंट से है एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, और आई तो यहीं पे थी, तो ये जो चीज है ये कितना हो गया है आपका चेंज होके, चेंजेस टू 30, दैट मीन्स ये चीज है ये आपकी 30 हो गई है बच्चों, कितना हो गया 30। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कॉन्स्टेंट हाइट, दैट मीन्स ए से बी जब गया है तो वो हाइट है वो कॉन्स्टेंट ही है, दैट मीन्स जो यहां से डिस्टेंस है वो यहां से डिस्टेंस है। तो देखिए बच्चों यहां से जो डिस्टेंस है ए पॉइंट के टाइम, वही सेम डिस्टेंस आपका क्या होगा बी, बी पॉइंट से भी होगा, सेम डिस्टेंस है आपका बी पॉइंट से भी। अब कांस्टेंट हाइट बोला है, दैट मींस ये जो हाइट है ये कितना हाइट गिवन है आपको 3600√3, और ये चीज भी कितना है बच्चों 3600√3। ओके, फाइंड द स्पीड, दैट मींस आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। दैट मींस पी, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं क्यू बच्चों, और ये पॉइंट मान लेता हूं आर। स्पीड मतलब यहां से यहां तक का टाइम गिवन है, ये 30 सेकेंड है तो ये चीज भी 30 गिवन है, तो हम ये डिस्टेंस अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, तो स्पीड फाइंड करने डिस्टेंस और आपके पास आ जाएगा टाइम गिवन है आपको, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम पता है तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कौन सा डिस्टेंस, क्यू आर फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों फर्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं पी क्यू ए एंड सेकेंड विल बी पी आर बी, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको गिवन है तो ये 90 होगा। सो फर्स्ट ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं, इन ट्राइंगल इसमें ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हाइट रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है और 30 सेकेंड से टाइम लग गया है बच्चों। सो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू ए, इन ट्राइंगल पी क्यू ए, PQA में बच्चों tan 60 है, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका 3600√3 अपॉन बेस, बेस PQA, tan 60 होता है बच्चों 1/√3, 1/√3 इक्वल टू अपॉन PQ, तो बच्चों PQ क्या हो जाएगा, ये रूट थ्री यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, That means 3600√3 into root 3 is 3. Okay. तो बच्चों PQ का distance कितना हो जाएगा? 0063 18, 1. ये distance हो जाएगा बच्चों. इतने meters है PQ. अब now second. Second triangle ले लेते हैं. Triangle PRB. And triangle PRB. PRB. इसमें tan कितना गिवन है बच्चों? 30 गिवन है. यहां पे बच्चों ये tan 60 होता है वो होता है आपका रूट थ्री होता है बच्चों. सो जो आपका PQ है वो ये रूट थ्री और ये रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो PQ आपका 3600 meters आ जाएगा बच्चों. दैट मींस ये आपका कितना आ गया 3600. ओके बच्चों, नाउ tan 30 फाइंड आउट कर लेते हैं. तो tan 30 ट्राइंगल कौन सा होगा? इन ट्राइंगल PRB, PRB. ओके, tan 30 परपेंडिकुलर इज 3600√3 अपॉन बेस, तो बेस क्या हो जाएगा PQ प्लस QR
या फिर हम लिख सकते हैं पी आर, पी आर टैन 30 होता है बच्चों 1 बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू 3600। अब पी आर, पी आर को मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू मैंने फाइंड कर लिया तो मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेता हूं बच्चों यहां, तो उससे पहले आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा 3600 रूट 3 इंटू रूट 3। तो बच्चों ये पी क्यू, पी क्यू हमें पता है कितना है बच्चों 3600, ओके, प्लस क्यू आर इक्वल टू ये इंटू हो जाएगा बच्चों, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 एंड 36 इंटू 3 होता है आपको 108 एंड डबल जीरो मीटर्स। तो बच्चों क्यू आर कितना हो जाएगा आपका 108 माइनस 3600 मीटर्स, तो ये हो जाएगा आपका 7200 मीटर्स। दैट मींस जब इस प्लेन ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की पोजीशन चेंज की तो कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड्स, और क्यू आर है वो किसके इक्वल है, एबी के ही इक्वल है। दैट मींस ये चीज है वो किसके इक्वल है, एबी के। That means, इस टाइम में इतने टाइम में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है बच्चों, 7200 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर लिया है। स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमने कितना कवर कर लिया है, 3200 कितने सेकेंड्स में, 30 सेकेंड्स में, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 4 12 एंड 0। That means स्पीड कितनी हो गई है आपकी, 240 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड हो गई। तो हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और फिर स्पीड, टाइम गिवन है तो स्पीड आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An observer is 1.5 meter tall is 28.5 meters away from the tower. The angle of elevation of the top of the tower from her eyes is 45. What is the height of the tower? तो बच्चों अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी ऑब्जर्वर था उसकी हाइट हम क्या मान रहे थे, नेग्लिजिबल मान रहे थे। इस केस में क्या है, बोले ऑब्जर्वर की भी हाइट आपको लेनी है, तो ये ऑब्जर्वर है, इसकी कुछ हाइट है, ओके बच्चों, और हॉरिजॉन्टल प्लेन गिवन है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। अब इसके ऊपर आपको एक टावर गिवन है, तो बच्चों ये टावर बना दिया है हमने, ये टावर हो गया। अब बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मींस आई यहां पे, ऑब्जेक्ट यहां है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो अब ये बॉय है, ये इसकी आई है, बॉय कितना टॉल है बच्चों, 1.5 मीटर, कितना यहां से कितना दूर है, 28.5 मीटर। आपको ये कंप्लीट फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ये 45 गिवन है बच्चों, ये 28.5 है, तो ये भी तो 28.5 ही होगा बच्चों, यस और नो। अब हम नेमिंग कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका ए बी सी डी और ये पॉइंट हो गया ई। अब देखिए बच्चों ट्राइंगल कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ट्राइंगल हो जाएगा आपका बी सी ई, एन ट्राइंगल डी सी ई, एन ट्राइंगल डी सी ई, टैन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों डी ई अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा बच्चों डी सी, डी सी पॉइंट। Now, 1, tan 45, 1 होता है बच्चों DE, हमें नहीं पता है D, sorry, ये हो जाएगा tan 45 होता perpendicular, that means CE upon base is DC, okay, so CE हमें नहीं पता है, और CD है वो 28.5 है, that means CE कितना हो जाएगा बच्चों 28.5 meters। That means ये जो डिस्टेंस आया है यहां तक का, ये डिस्टेंस कितना आ गया 28.5। आपको बोला है
कि टावर की हाइट फाइंड करनी है बच्चों, किसकी हाइट फाइंड करनी है, टावर की, दैट मींस कंप्लीट फाइंड करनी है। तो कंप्लीट के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस कितना है 1.5, ये भी तो ऐड हो जाएगा इसमें, प्लस कर दोगे तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, सीई प्लस सी बी, दैट मीन्स 28.5 प्लस 1.5 विच इज 30 meters, therefore the height of the tower is 30 meters बच्चों। So आपने क्या किया, इस बार observer की जो भी height थी उसे भी consider किया है और यहां से इसकी आई, अगर depression का बोलते हैं तो ये depression बन जाता है इसमें, okay? So hope so कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बच्चों, और आपकी जो revision classes हैं वो भी बहुत सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है मैक्सिमम, अब आपका जो पोर्शन बचा है वो ज्योमेट्री बचा है, वो भी हम ट्राई करेंगे कि बहुत जल्द कंप्लीट कर ले, ताकि जो आपकी ये क्लासेस आपकी रहेगी यूट्यूब चैनल पे वो आप ऑफलाइन बाद में भी देख सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो बाकी बचा हुआ कोर्स है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाए, और विद इन नेक्स्ट 3 to 4 क्लासेस में हम चाहेंगे कि ये कोर्स समअप हो जाए कंप्लीट, और आपका जो भी ये रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे ये आपके लिए अवेलेबल रहेंगे चैनल पे, तो आप इनका बाद में देख के और फिर से इनका रिवीजन कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।